नौकरी के नाम पर चीट फंड चला रहे अपराधियों पर पुलिस का सिकंजा। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के पलामू जिले में नौकरी देने के नाम पर ठगी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र से की गई है। बता दें आपको कि ये आरोपी सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं जैसे बाल विकास परियोजना, कौशल विकास परियोजना आदि में नौकरी देने के नाम पर लोगों से पैसा लेते थे। लोगों की माने तो इन लोगों ने 50 से ज्यादा लोगों से बाल विकास परियोजना में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर आदि पदों पर नियुक्ति देने के नाम पर पैसे की ठगी की है। रोजगार की तलाश में भटक रहे भोले भाले ग्रामीणों को ये अपना शिकार बनाते थे और ग्रामीणों की माने तो इन लोगों ने लगभग 50 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी अब तक की है। तो इन लोगों से पीछा कर मिलकर इन लोगों को पकड़ा और पुलिस को प्रस्तुत किया। पुलिस जांच कर रही है रात से, जहां पे स्पष्ट पाया गया कि इन लोगों ने एक संस्था बनाकर फर्जी वाड़ा किया है और ग्रामीणों को, निरीह ग्रामीणों को ठगी किया है। इन लोगों ने ठगी के बाद स्वीकार भी किया है। तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। लोगों पर आरोप लगाया गया था कि ये लोग इसमें उस संस्था में काम करते थे जिसमें एक का नाम जयंत है, एक का नाम ललन, और इन लोगों ने मुख्य सरगना का नाम बताया ज्ञानदीप, जो प्रगति बाल विकास परियोजना नाम से एक संस्था चलाते थे और ग्रामीणों को नौकरी का सपना दिखाकर कि आपको मैं प्रखंड संयोजक बना दूंगा, पंचायत संयोजक बनाऊंगा, आपकी सैलरी 10,000 होगी, आपकी सैलरी 15,000 होगी, ऐसा सब जो भाग दिखा करके आपको प्रोसेसिंग फीस और बहाली के लिए तत्काल 20,000-25,000 रुपये जो बताया गया जमा करना होगा। और इस तरह से इन्होंने 20-25,000-30,000 करके लोगों से ठगी किया कि एक का दो का चार करने के चक्कर में लोगों को बर्बाद कर रहे हैं और तुरंत समय में कमाने का लोभ पर लोभन देकर लोगों को फंसाते चले आ रहे हैं। आज करीब 1-2 महीने से विगत हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन इससे भेंट नहीं हो रही थी। और हमारे मित्र का भी करीब कौशल विकास योजना में सारा काम करके पैसा, ये कितने के पैसे का ये करीब 2.5-3 लाख रुपये का मैटर था, 3 लाख था ना, 3 लाख रुपये लेकर पूरा चेक लेकर भागा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।